जायरा के लिए इसने बनाई है डॉल, कितनी खूबसूरत। ये कमाल वाली बात है, मेरे को खास कहने लगी थी। लस्सी आज बहाने से मैंने कहा चलो, बहाने कितने बहाने लगाए, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज जा रही हैं मैं अपनी फ्रेंड के घर, और कोविड के बाद पहली दफ़ा जा रही हूँ बहुत अरसे बाद, एक साल ऑलमोस्ट होने वाला है, बल्कि हो गया होगा, मैं पूछूंगी उससे जाके। तो आउटफिट कुछ भी नहीं, ये मेरा बहुत पुराना कुर्ता है, आपने पहले भी देखा हुआ है। जैद आप लाए थे कि मैंने खरीदा था? ये मुझे इतने याददाश्त नहीं, तो कुछ जीन्स वगैरह तो पता नहीं मिल ही नहीं रही, कुछ भी नहीं, तो मैंने इसके ऊपर बस कैजुअली आज कुछ वेदर अच्छा है स्वेटर ले लिया, और साथ ही मैंने इसके शॉल अपनी, तो मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ इससे पहले कि आप मुझे पूछना शुरू कर दें कि मैंने कहाँ से क्या लिया। तो ये मेरा आज का आउटफिट है। तो मैं इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ? हाँ हाँ, कि आपकी ये दोस्त, ये मेरे को ख़ास शहर से, आपके कॉलेज में भी ये कॉलेज के साथ किया, और ख़ास बात ये कि उसामा की ये टीचर थी जब नर्सरी में वो गया, और लाइबा तो ज़बरदस्ती जाती थी उसके साथ, तो वो लाइबा को भी वही उसने कहा भेज दो मैं संभाल लूँगी, हालांकि लाइबा को बनता नहीं था अभी जाना इसको, तो वो भी साथ जाती थी, तो ये वो टीचर इतनी इम्पोर्टेंट है। मेरी फ्रेंड है, और उसके हस्बैंड जो थे वो जैद के भी दोस्त थे, लेकिन चलें मैं कोशिश करूँगी उसकी स्टोरी कुछ शेयर करूँ, लेकिन अगर उसने चाहा तो कैमरे के आगे आएगी, अगर नहीं चाहेगी तो मैं उसे कैमरे के आए, मेरा नहीं ख्याल के वो, चलो खैर वो तो पता लग जाएगा। तो चलें अब यहाँ से चलते, बेचारे कितनी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है मैंने ड्राइविंग करनी है, बारिश हो रही है, तो उनका है कि मैं थैंक यू ये हाईवे पे जा रहे हैं, इन्हें साफ करके चढ़ना चाहिए। आज गैस की प्राइस क्या है? 167 है, लेकिन मैंने टॉप क्वालिटी 94 जो है वो अबाउट $2 की आई है पर लीटर, मैं फिर देख लूँ। अल्ट्रा 94 यानी फोर्थ नंबर अपर ग्रेड की जो लास्ट है वो $2 की लगी। वेस्ट ऑफ मनी है। मूना के घर पहुंच चुके हैं, मेरी फ्रेंड का नाम है, और ये उसके बेटे की बर्थडे हुई थी, देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन, और ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी ये सारी डेकोरेशन, आप देखें कितनी, और ये सारी जो कुशन्स वगैरह, आपका इसका इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी, ये सारे कुशन्स वगैरह ये सब मूना ने बनाया है, मूना खुद बनाया है ना सबके साथ। हाँ, और ये देखें ये सरप्राइज देखें, ये जायरा के लिए इसने बनाई है डॉल, कितनी खूबसूरत। हाँ सही लाइट आया, देखो ये कमाल वाली बात नहीं है, ये देखिए वाह, देखिए कितनी खूबसूरत डॉल बनाई है। और मुझे याद है कि हम ये क्रेप पेपर के ना फ्लावर्स वगैरह बनाते थे वहां पे पाकिस्तान में, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी इंटेलिजेंट, मैं तो बहुत ही पोर। अब ये मेरी क्लास लेगी, इसको बड़ी कंप्लेन है कि मैं जैद के साथ बहुत तल्ख कलामी करती हूँ, तो ये मेरी क्लास लेने वाली है। मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन बंदा फिर कुछ चीजें भूलता नहीं है, उसामा पहला बेटा था हमारे घर का। हाँ। तो ये जो पहला जो सही और अच्छा और बड़ा गिफ्ट जो बाहर से जो आया दोस्तों में से रिश्तेदारों में से, वो मोना लेकर आई उसामा के लिए। बेशक वो बहुत अरसे तक हम उसको, आपको याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। उसामा को जो एक अच्छा गिफ्ट जिसको कहना चाहिए, या बाहर से कहें, हमने माँ बाप ने तो चलो दादा दादी चाचा चाची वो जो भी किया, बाहर से जो भी वो आपका गिफ्ट था, अब तो याद है माशाल्लाह। तो मोना का एक्चुअली शुरू से ये शौक था ना कपड़े डिजाइनिंग करने का, एक से एक कपड़ा बना के वो पहनती थी, और इस पे वो खत्म होता था, क्या कहते थे डिजाइनिंग का, क्या मोना सब तुम्हें कहते थे, और नहीं नहीं वाकई सही तारीफ कर रही हूँ, गलत थोड़ी कर रही हूँ मैं। ये इसने चाट बनाई है जैद के लिए, जैद को आपको पता है चाटे दही बड़े इस तरह की चीजें बहुत पसंद होती हैं। चले आप ट्राई कर लें पहले से। असल में अगर कहीं मैं अपना कैमरा ऑन करता तो मेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें शेयर करने वाली थी, आप कर लें उसके बाद कर लें आप अपना। फिर तुमने कहना कि मेरी वीडियो तुमने बड़ी लंबी कर दी, मुना फौरन फिर इसने मेरे पीछे पड़ जाना। पहले खा के दिखाए फिर चले। बनाने के लिए बिस्मिल्लाह रहमान, ये तो खैर जाहिर है इसको मैं क्या कहूँगा, चाट तो चाट ही, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह।
नहीं देखें, ये कनाडा जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को खाना पकाना सिखा देता है। सोचो एक कप चाय का भी बना देते हैं। आई नो, तो अगर मैं और बना लेती हूँ तो मुना भी माशाल्लाह बना लेती। तो चले हम खाते हैं चाट। आजो भी आजो और फिर आपसे करते हैं मुलाकात। जबरदस्त किस्म की चाट बनी। बेचारी साहब बैड लक हुआ इधर से। मैंने इसे रात को कह दिया मैं आऊंगी सुबह, ऊपर से वो बिल्डिंग वालों ने पानी बंद कर दिया आज इनकी मेंटेनेंस की वजह से। लेकिन कोई नहीं, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, अपने घर की बात होती। दोस्तों के घर हमेशा ऐसे जाना चाहिए जैसे उनको भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ महसूस ना हो। सो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जाएं यहाँ से कहीं खाना खाने के लिए। मुना कह रही थी खाना बनाएगी, पर मैंने उसे मना किया कि खाना ना बनाया जाए। मैंने कहा बाहर चलते हैं कहीं खाने के लिए, तो आउटिंग हो जाएगी, उसका बेटा भी अभी आएगा, तो हम लोग खाना खाने उम्मीद है कि कोई मिल जाएगी। उसे भी नहीं मालूम है ज्यादा यहाँ का बाहर का। पहले तो चाट इतनी जबरदस्त खाई, हाँ चाट इतनी खूबसूरत और मजेदार थी। तो अब चाय पियेंगे, पहले चाय पियेंगे फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। आपको साथ लेके चाय तो मेरा अब सर जो है ना पटक पटक बज रहा है। वैसे मैंने कम कर दी चाय, आपको पता है बहुत चाय मैंने दो कर दी है क्योंकि आगे रमजान आ रहे हैं तो रमजान में दो ही मिलेंगे, इसलिए पहले से रमजान के लिए दो कर कप बड़ा कर लिया बड़ा कर लिया कप एक ही बात हो गई। सही बात है। तो आप ये देखें डेकोरेशन और ये जायरा का गिफ्ट कितना खूबसूरत है। पहले दिखाया नहीं? हाँ दिखाया। हम लोग आए हैं लंच करने यहाँ पे कढ़ाई पॉइंट पे। तो इन्होंने अच्छा डेकोरेशन अच्छा से किया अंदर पूरा। एजेक्स में है एक्चुअली हम लोग, सागा में नहीं है। इनकी लोकेशंस हैं, इनकी लोकेशंस हैं डिफरेंट जगह पे मेरे का, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि मेरे को खास कहने लगी थी वहाँ पे भी है, क्या कहते हैं मिसेस सागा में भी, लेकिन मैं गई नहीं हूँ तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। तो चले इनका सिग्नेचर कढ़ाई जो है वो ऑर्डर करेंगे और बारबेक्यू में पता नहीं देखें जो भी ये लोग पिक करें, और आपके साथ शेयर करेंगे कि इनका खाना कैसे। आए हैं कढ़ाई पॉइंट पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ, हम आए हैं लंच करने के लिए, लंच और डिनर साथ ही है। तो और ये आप देखें कि इन्होंने कितना अच्छा खूबसूरत सा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें। देखें कितना खूबसूरत इंतज़ाम। शायद आप ये चटनियाँ सैलड शुरू कर दें खाना। हाँ ये नहीं 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 अभी खा जाएंगे फिर खाएं। तो खाना कैसे खाएंगे फिर खाना कैसे खाएंगे फिर खाना भी तो खाना है ना। हाँ नहीं नहीं खाना खाएंगे, इतना खाना कौन खाएगा भाई। मैं कहता हूँ ये फिश है, तुम लोग कह रही हो। नहीं फिश तो है सर। अच्छा आइटम है, टिक्का टिक्का टिक्का। कैसा है ये बताएं कैसा है? अच्छा फिश तो मैंने फॉर्म देख ली। अच्छा थैंक यू। ज्यादा ही हो गया लग रहा है। कोई नहीं जवान बच्चा अपने खा था छोड़ेंगे। सही हिम्मत से खा लिया आपने। सर तहसीन आप बताओ खाना कैसा लगा? अच्छा लगा भी। अच्छा ना बहुत अच्छा ना। जैद आपका क्या ख्याल है ओवरऑल? कहीं का भी खाना हो जहाँ भी खाओ मुझे अच्छा लगता है। यकीन कर अच्छा ही लगता है आपका खाना। मैंने अगर कंप्लेन की होगी ना मुना आसपा के पकाए हुए की बेशक की, अदरवाइज मैं किसी होटल किसी रेस्टोरेंट में जाता मुझे तो अच्छी लगती है। खाना वाकई अच्छा था इनका, फ्रेश था, मतलब वो नहीं लग रहा था कि जिस तरह के फ्रीजर का खाना आता। आप ज़रूर आएँ चेक करें, मेरे ख्याल इनकी काफ़ी जगह पे लोकेशंस हैं। हमें कोई फ्री में खाना नहीं मिला, हम प्रमोशन उनकी नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा खाना था। तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई करें इनका खाना। मैंने खाने के बाद ड्रिंक पी और अब मंगाई है मैंगो लस्सी। आज बहाने से मैंने कहा चलो बहाने कितने बहाने लगाएंगे यार, जब खाना खा रहे हैं तो चलो लस्सी भी मैंगो लस्सी है ये मैं चेक कर लूँ फिर से। हाँ हाँ चेक कर लाहौर की भी लस्सी बड़ी मशहूर है, यहाँ बड़ी स्पेशल टाइप की बनाते हैं। चाय मंगाई है मैंने और मोना ने, सिर्फ जैद ने पी चाय। अच्छी है देखो तुम्हें पसंद आती है। डॉल हमारे साथ घर जा रही है और आपको अब करते हैं खुदाफिस। खाना बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा दिन रहा आज खाना था। काफ़ी दिनों के बाद आउटिंग की और जायरा की डॉल हमारे साथ जा रही है। ये क्या? कितनी खुश हो रही है। इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो,
इधर मुंह आपका दिखाओ, ऐसी जाहिरत है माशाल्लाह, तोड़ना नहीं उसको। अच्छा वो ज्वेलरी भी बनाई है उन्होंने, कि आपके पापा बनाते हैं ना ज्वेलरी, तो उन्होंने ज्वेलरी बनाई है उन्होंने। या माय फ्रेंड, वो उन्होंने खुद ने अपने हाथ से खुद बनाई, जहां हम परसों गए थे। और जेंटो, हां जेंटो, देखो कितनी बड़ी है, देखो कितनी बड़ी है, है ना। वाह भाई, तो अब हाथ तो लगाएगी क्या करे, आराम से। वाह भाई वाह, बस बस बस, वाह भाई बस, तोड़ना नहीं इसकी, दूर से देखती रही इसको ऊंचा करके, अभी तो उसने फील कर दिया। से थैंक यू, ठीक है। या तस्वीर बनाओ, अच्छे बफ्फी डालो, तस्वीर बनाओ दादी के साथ।